टीपीसी की क्रांति भी यहीं से शुरू हुई है और पूरे आप देख लो सरकार जो भी बैठे हैं केंद्र में मोदी जी आप भी देख लो यहाँ से क्रांति शुरू हो चुकी है और दिल्ली तक पहुँचेगी। ये ज्यादा आप देखते रहो, ज्यादा समय नहीं है, अब ये क्रांति दिल्ली तक पहुँचेगी और हमारी जीत हो गई रहे। बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों का उपद्रव जारी है। बिहार के कई हिस्सों में आगजनी और तोड़फोड़ की भी खबर सामने आई है। कल यानी सोमवार को बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद मंगलवार यानी 25 जनवरी को छात्र सड़क पर उतर आए और कई जगह पर छात्रों ने सड़क पर कब्जा कर लिया। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच कई जगह से छात्रों के उपद्रव करने की भी खबर सामने आई। उपद्रवियों ने सासाराम आरा पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। आग लगने की घटना के बाद बताया गया कि आंदोलन की वजह से यह ट्रेन 6 घंटे से आरा के होम सिग्नल पर खड़ी रही। इस घटना के बाद पटना राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। वहीं इस घटना के बाद से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बता दें कि छात्रों का आरोप है कि रेलवे एनटीपीसी के दिसंबर 2020 से अप्रैल 2020 में हुई परीक्षा के परिणाम में धांधली हुई है। छात्रों का कहना है कि ग्रुप डी के नोटिफिकेशन को वापस किया जाए और एनटीपीसी रिजल्ट को फिर से रिवाइज किया जाए। भगवान के सब किसी को नहीं मारे मारे ये काम नहीं कुछ किया प्लीज सर ढेला भी नहीं मारे सर कभी गलती से भी सर आपसे जान मार दीजिए सर हमको नहीं।